समय एक सा कभी नहीं रहता, ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तो परिस्थितियां भी बदलती है, और जहां समस्या है वहां समाधान भी है, तो क्यों अपने जीवन को समस्याओं से घिरा हुआ पाएं, आइए समाधान ढूंढते हैं। आप दिसंबर की इन डेट्स को यदि इन शहरों के आसपास रहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे मिल सकते हैं, तो आप और मैं सिर्फ आपकी कुंडली पर ही चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि क्या समस्या है और इसका समाधान क्या करना चाहिए। 1 दिसंबर को मैं पटना शहर में रहूंगा, बिहार की राजधानी पटना में, 2 दिसंबर को दिल्ली में, 7 से 8 दिसंबर को जमशेदपुर में अर्थात टाटा नगर के पास जमशेदपुर वहां पर, 13 दिसंबर को मुंबई में, 14 दिसंबर को बेंगलोर में, 15 दिसंबर को हैदराबाद में, 20 से 22 दिसंबर को मुंबई में, 26 से 27 दिसंबर को दिल्ली में, और वापस 28 दिसंबर को मुंबई में, और 29 दिसंबर को मैं आपको पुणे में मिलूंगा। तो आप यदि इन शहरों के आसपास रहते हैं और आपको कोई न कोई समस्या है जिसका आपको विश्लेषण ढूंढना है, जिसका समाधान आपको ढूंढना है, तो आपको समय निकाल करके मिलना चाहिए। जब हम मिलेंगे तभी प्रयास कर पाएंगे आपकी समस्याओं को समझ करके उसका समाधान ढूंढने का। श्री गणेशाय नमः। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। चिंता ऐसी खतरनाक बीमारी है कि डाकिनी के समान है जो कलेजे को खा जाती है, और इस दर्द की दवा किसी भी चिकित्सक के पास नहीं मिलती। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल तथा दैनिक राशिफल के आज के नए एपिसोड में। आज मैं सबसे पहले उन सभी को बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका आज जन्मदिन, शादी की सालगिरह, विशेष यादगार सफलता का दिन, और खासकर उनको जो आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कैसा रहेगा 17 दिसंबर का राशिफल, यानी कि आज का राशिफल। सबसे पहले शुरू की जाए बात मेष राशि से, तो आज का दिन आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ठीक से विचार करें, ठीक से सोचें समझें, उसके बाद में जो फाइनल डिसीजन है वो पास कीजिए। आज के दिन आपका पैसा भी काफ़ी खर्च होगा और इनकम आपको कम आने वाली है, पर एक्सपेंसेस जहाँ पे हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी के चलते कहीं ना कहीं पे आपके मन के अंदर गुस्सा भी पनप रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही गुस्सा बाहर निकलेगा सबसे पहले आपकी वाणी खराब करेगा। तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखें और अपने गुस्से के ढक्कन को बंद करके रखें। तैश में या भावनाओं में आकर कोई बात ऐसी ना करें जिससे कि सामने वाले को ठेस पहुंचे। जीवन साथी को आज आपको मनाने की जरूरत पड़ने वाली है, कहीं ना कहीं पे वो भी आपसे गुस्सा है, आपके साथ में जो बातें हुई है उसको दिल पे लगा बैठे हैं। तो आज आराम से बैठिए, जीवन साथी के साथ में बात कीजिए और देखिए कि कहां पे समस्या थी और कैसे उसको सुलझाया जा सकता है। आज के दिन आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा कमज़ोर बना रहेगा, क्योंकि चिड़चिड़ापन है और उसके बाद में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप हार्ट पेशेंट या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो इन दोनों सिनेरियोज़ में आपके लिए आज का दिन स्वास्थ्य के हिसाब से भी देखा जाए तो ज़्यादा सीरियस हो सकता है। आज के लिए आपका लकी रंग है गोल्ड और आपका लकी नंबर है नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, दूसरी राशि की। आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, आप उम्मीदों से भरे रहेंगे और मोटिवेटेड पूरे दिन फील करेंगे। कहीं ना कहीं पे अंदर मन के अंदर आपके चल रहा है कि आज कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसी कुछ ना कुछ आपके अंदर फीलिंग है, इंट्यूशन जिसको बोला जाता है, एक सिक्स सेंस होता है जो आपको आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बता रहा है कि कुछ ना कुछ आज अच्छा होने वाला है। तो इस इंट्यूशन के साथ में, इस थॉट के साथ में अपना आप दिन शुरू करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रखेगा। मन में कहीं ना कहीं पे बार बार डाउट भी आएंगे और लगेगा कि क्या ये सही है या नहीं, क्या सच में ऐसा होने वाला है जो आप इतने मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आप जो इतना अच्छा फील कर रहे हैं। तो इसके चलते कहीं ऐसा ना हो कि जो आप सोच रहे हैं वैसा हो ही ना, और अगर ऐसा होगा तो अपने आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे आप। पर एक नॉर्मल सी बात है, मोटिवेशन के साथ में दिन स्टार्ट किया, अच्छी एनर्जी के साथ में आपने दिन स्टार्ट किया है, इस एनर्जी को ना खोने दें। जो है अपने आप डाउट्स आपको लगेंगे, आप जो काम कर रहे हैं उसमें अगर अचानक से रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको लगेगा क्या ये सही था या नहीं, पर चिंता मत कीजिए, दिन के एंड तक जरूर रुकिए, कुछ ना कुछ आज अच्छा होने वाला है आपके साथ में। आज आपको रोमांस के भी अच्छे अवसर मिलेंगे, आपके जीवन साथी के साथ में, आपके प्रेम संबंध के साथ में, आपके दोस्तों के साथ में, कहीं ना कहीं पे बाहर घूमने के लिए आपको जगह मिलेगी, बात करने के लिए जगह मिलेगी, और जहां पे आपको पार्टी करने जाना है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा वातावरण बन रहा है। जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताने को आपको मिलने वाला, और पैसों की आवक अपने आप कल के मुकाबले आज बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आएगी।
स्वास्थ्य आपका A1 रहने वाला है, इनकम आपकी A1 रहने वाली है, जीवन साथी के साथ में दिन बेहतर से बेहतरीन होता हुआ दिख रहा है, उसी के साथ में दिन की शुरुआत मोटिवेशन और अच्छे थॉट्स के साथ में चालू की है। आपके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है और इसी के चलते आपके लिए लकी रंग भी आज रेड है और लकी नंबर 2 है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। कहीं ना कहीं पे बैक ऑफ द माइंड आपको कुछ लग रहा था कि आपको आज अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन मिलने वाली है, कहीं पे जो आपने काम किया है उसके लिए आपको आज रिकग्निशन मिलेगा, आपके सीनियर्स आपके कलीग्स आपको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके चलते आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलेंगी आगे फ्यूचर के लिए। तो ऐसा जो आपको लग रहा है वो आज ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है, तो इस फीलिंग को जोर से जकड़ के रखिएगा, इसको जाने मत दीजिएगा, क्योंकि दिन के अंत तक आप कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से आपके कलीग्स आपके सीनियर्स आपको और ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। दूसरों की सलाह अगर आज आपको मिल रही है तो उससे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ये भी बात रखिएगा, कोई अगर आपको आकर के बोलता है कि नहीं इस काम को ऐसे नहीं करके अगर ऐसे किया जाए तो आप उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। अचानक से आप सोचेंगे कि ये जो राय मुझे मिल रही है, ये जो सलाह मिल रही है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और उसके हिसाब से आप अपने आप को ढालना शुरू कर देंगे। आज प्रेमी या जीवन साथी के साथ ज़्यादा बहस में ना पड़ें, सर झुकाकर उसकी बात का जो भी बोलना चाहते हैं उसको मान लें, उनका कहा सर आँखों पर, ये एक नॉर्मल सा मोटो है, ये आज के दिन आप ज़रूर अपना लें। जहाँ पे आपको आपकी कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर, आपकी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर, आपकी वर्क लाइफ के अंदर आपको बहुत ही अच्छा समय आज देखने को मिलने वाला है, वहीं पे आपकी पर्सनल लाइफ में आज आपको बहुत ही ख़राब समय देखने को मिल सकता है अगर आपने इस चीज़ को ध्यान ना रखा तो। कुछ भी हो रहा है, लाइफ पार्टनर आपके जो हैं या आपके प्रेम संबंध जिनके साथ में हैं उनके साथ में अगर वो आज कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो, पर उस चीज़ को थोड़ा से आराम से समझें, उसके बाद में उसको नेग्लेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें। आप गुस्सा तभी हो सकते हैं जब आप उस बात को दिल पर लगाएंगे, अगर दिल पर नहीं लगाएंगे तो आपको नॉर्मल सी बात है, आपको कोई असर नहीं पड़ने वाला उससे। तो इसके चलते ऐसा ही आज अपने आप का रवैया रखिएगा, ज़्यादा नेग्लेक्ट और इग्नोर कीजिएगा, पर ऐसा भी ना हो कि अटेंशन ही ना दें अपने जीवन साथी और प्रेमी को। पैसों की स्थिति आज के दिन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको लॉसेस मिल रहे थे लॉसेस अपने आप कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट्स आ रहे हैं। स्वास्थ्य आमतौर पर आपका आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और मेंटली भी बहुत ज़्यादा शार्प रहेंगे। आज के लिए आपका लकी रंग है ग्रीन और आपका लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आज आपका दिन कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आप धैर्य और शांति से काम लेंगे और तो और आपको अपने सोचे हुए काम पूरे करने में भी सफलता मिलेगी। जहाँ पे पेशेंस और पीसफुल अगर तरीके से आप कोई भी काम करते हैं, हमेशा देखिएगा बड़े से बड़ा इंसान जब होता है हर चीज़ के लिए अंदर पेशेंस रखता है, जल्दी से फटकर के ना ही रिस्पॉन्स देता है, ना ही जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने की कोशिश करता है। कोई भी चीज़ होती है सारे पहलू देख करके, प्रोज एंड कॉन्स देख के, घाटा और मुनाफा देख करके उसके बाद में आगे बढ़ता है, बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। ऐसा ही कुछ आपका भी आज दिन है, आप भी उस सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए ये बात का ध्यान रखिएगा, धैर्य और शांति आज ये बनाए रखें, क्योंकि सफलता मिलने ही वाली है, जो आपने काम पूरे कर लिए हैं उसमें सफलता मिलेगी और उसके चलते आपको आगे और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। गलतफहमी के कारण आपके अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन या बहस बन सकती है, ये जो आपकी गलतफहमियां हैं ये और कुछ नहीं आपके खुद के दिमाग की उपज है, तो इसके चलते आप बार बार सोचेंगे कि नहीं इन्होंने ये कह दिया तो इसका मतलब ये था, इन्होंने ये कर दिया तो इसका मतलब ये था। ये सिर्फ आपके दिमाग के अंदर एक सिनेरियोज़ बन रहे हैं जो आपके वो गलत फहमी का शिकार बना रहे हैं, और इसके चलते बिना बात कहीं ना कहीं पे आप अपने प्रेमी के साथ में या अपने जीवन साथी के साथ में आज कलेश करने पर उतरे रहेंगे। घरेलू और पारिवारिक कारणों से बहुत ज़्यादा पैसा आज खर्च हो सकता है, पर ये पैसा जो खर्च होने वाला है ये मांगलिक कार्यों पर होने वाला है, तो इसके लिए आज के लिए आपका लकी रंग है पिंक और आपका लकी नंबर है नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आज के दिन अगर सुस्ती और निष्क्रियता से बीतता है तो यही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी आपको कमी महसूस होगी, पर ये जो कमी है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की, इसको बाहर मत जताइएगा। नॉर्मल सी बात है, अगर सामने अगर आप अपनी वीकनेस जताएंगे तो सामने वाला जितना हो सकता है उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, और ऐसी सिचुएशन में और कुछ नहीं तो आपको लॉसेस देने के ऊपर उतारू होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं पर कुछ भी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर कमी है आपको मालूम है,
पर सामने ऐसा दर्शाइए कि आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट उस रूम में कोई है ही नहीं। पर कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत छोटी सी सीमा होती है, एक बहुत छोटा सा धागा है जो दोनों को सेपरेट करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कहीं आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना नजर आए। आज आपके सीक्रेट रिलेशनशिप्स जो हैं वो अपमान और भय देने का डर लगा रखेंगी। प्रेम या जीवन साथी के साथ किसी मामले को लेकर बहस हो सकती है और वो बहस ज़्यादा सीरियस ना हो उसके लिए एक ही उपाय है, सही समय रहते हुए सही सोच के साथ में समझ के साथ में फटाफट से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए। बहसों की स्थिति आज अपने आप कमज़ोर बनी रहेगी और आमदनी की तुलना में खर्च ज़्यादा बने रहेंगे। आज आपके लिए लकी रंग है आज ग्रे और आपका लकी नंबर है नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आज आपको छोटी छोटी पॉजिटिव सिचुएशंस का लाभ उठाने को मिलेगा। कहीं ना कहीं पे छोटी छोटी ऐसी बातें हो रही है जो पॉजिटिव संकेत आपको दे रही है कुछ बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सिचुएशन होने का, कोई बहुत ही बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आगे फ्यूचर में होने का। ये जो छोटी सिचुएशंस है अगर आप इसको आज अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और इसको अच्छे से अपने आप को फील गुड फैक्टर करवा करके इसका मजा लेते हैं तो आप ध्यान रखिएगा आज अपने आप दिन बेहतर से बेहतरीन और बेहतरीन से ज़बरदस्त होता नज़र आ रहा है। आज के दिन शानदार होने वाला है। मन को तनाव दबाव से बाहर निकालने की आप बहुत ज़्यादा आज कोशिश करेंगे और उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल भी होंगे और इसी के चलते अपने आप फील करेंगे कि जो आसपास में आपकी चीज़ें थी जो आज तक आपने अप्रिशिएट नहीं की थी वो भी अप्रिशिएट आप करना चालू करेंगे। प्रेम या जीवनसाथी के प्रति गहरे प्रेम का एहसास करेंगे और ज़्यादा लगाव और ज़्यादा कनेक्शन और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप दोनों को फील होगी। गुस्सा हुआ, टेंशन हुई, फाइट हुई घर के अंदर, उसके बाद में खींचतान हुई, इन सब से आज आप बहुत दूर चलेंगे, कोसों दूर बने रहेंगे इन चीज़ों से। ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई इन सब से एक दूरी आप बना करके रखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आज आपको अपने आप अंदर से फील करेगी। आप सोचेंगे कि इससे ज़्यादा अच्छा दिन और कोई हो नहीं सकता और काश ऐसा ही दिन हर रोज़ मिले। आज के दिन आपका स्वास्थ्य भी A1 रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी रंग है ग्रीन और आपका लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आज आप धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें, पुराने समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आपकी लव रिलेशनशिप्स की भी बात की जाए तो उनको लेकर किसी तरह का कोई बड़ा फैसला आज करने की कोशिश ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि जो रिलेशनशिप चल रही है अचानक से आप सोच रहे हैं कि उसको मैं और ज़्यादा सीरियस नोट पे लेके जाऊं या जो भी मेरा लव पार्टनर है उसको मैं अपने फैमिली से जाकर के मिलाऊं। तो अगर ऐसा आप कुछ भी सोच रहे हैं तो आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ऐसा काम करने के लिए, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और ऐसे डिसीजंस लेने से बचिएगा। आज आपकी अपने आप इमोशनल जो सिचुएशन है, इमोशनल सिनेरियो है, जो आपकी इमोशनल क्वेश्चन है आपका खुद का अपने खुद के लिए, वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अपने आप फील गुड करने वाले हैं, कोई भी चीज़ आसपास में हो रही आपके खुद के अंदर भीतर हर चीज़ को देख करके मुस्कराएंगे। कहीं ना कहीं पे अंदर मन के अंदर कुछ बहुत ही अच्छा पक रहा है जिसको लेकर के पूरे दिन चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। पैसों की आवक और खर्च आज उतार चढ़ाव बनाए रहेगी पर वो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि अगर मंथ में शांति है और खुशी है तो ये छोटी मोटी जो परेशानी है ये आती और जाती रहती है और इसके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। स्वास्थ्य आज के दिन आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना रहेगा और आज के लिए आपका लकी रंग रहने वाला है रेड और आपका लकी नंबर रहने वाला है 2। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आज सामूहिक ढंग से और टीम एफर्ट से आपकी प्रयास जो आप कर रहे हैं, जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं किसी काम में, वो आपको गोल तक ज़रूर पहुंचाएगी और आपको सक्सेस दिलाएगी। जो टीम है आपकी वो बहुत ही कोहेसिवली काम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा सिनर्जी में काम कर रही है और जिसके चलते जो आपके एफर्ट्स हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव इनाम भी देने वाले हैं। पर इसी के चलते आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको चलते फिरते में आज बहुत आइडियाज़ आने वाले हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में उपज चल रही है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है जो आगे चल के आपको ऐसे आइडियाज़ बता रही है कि आपको प्रॉफिटेबल और दे। तो ऐसे जो भी आइडियाज़ हैं इसके लिए आज एक छोटा सा काम करें, एक आदत डालें या एक नियम बना लें, पेपर और एक डायरी, छोटा सा एक नोट पैड अपने साथ में ज़रूर लेकर चले। कोई भी ऐसा जैसे दिमाग में आइडिया आता है, खाते हुए आ सकता है, कहीं पे आप बात करने आ सकता है, आप कहीं पे चल रहे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपको अचानक से कोई आइडिया फ्लैश कर सकता है, तो ऐसे कोई भी आइडियाज़ आ रहे हैं तो उनको नोट करके आज ज़रूर रखिएगा। कई लोग बोलेंगे कि नोट करने की बजाय मैं रिकॉर्ड करके भी रख सकता हूँ फ़ोन पे, तो ऑब्वियसली आप ये भी कर सकते हैं, पर एक नॉर्मल सी आदत होती है इंसान की। जो हैंड टू ब्रेन वाला जो कनेक्शन है, हमेशा बोला जाता है बच्चों को भी, कोई भी आपको चीज़ याद करनी है, पढ़ना है, तो लिख करके याद कीजिए।
क्योंकि लिख करके जब याद की जाती है कोई भी चीज़ तो याद ज़्यादा लंबे समय तक रहती है इंस्टेंट एक मोबाइल के माइक में बोलने से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी ऐसी चीज़ें हैं, आदतें हैं, जो भी आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, उन सबको एक पेपर पर लिख करके फिर रखिएगा। प्रीमियर जीवन साथी के साथ आपके संबंध आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर कल आपके सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी, आपका कोई झगड़ा हुआ था या ऐसी कोई भी बात हो रही थी घर में कि जीवन साथी या प्रेमी के साथ में आपका थोड़ा मनमुटाव था, तो आज अपने आप जा चुका होगा। और -30 अगर मैं बोलता हूँ गुस्सा था, 0 हुआ कि कोई फीलिंग ही नहीं थी, -30 कि गुस्सा था थोड़ा, पर 30% ही था, तो वो अपने आप 30 आ जाएगा सुबह सुबह। और 0 से कहाँ आप 100 तक पहुँच जाएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। और अपने आप जो आप दोनों की रिलेशनशिप है, जो आप दोनों का कनेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को लेकर के, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आमदनी की तुलना में आज आपके खर्च ज़्यादा होने वाले हैं और मानसिक तनाव इसकी वजह से आपको और ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पे ऑलरेडी सिचुएशन फाइनेंशियली आपकी अच्छी नहीं चल रही है, आप सोच रहे हैं कि कैसे भी ये दिन के अंत तक मैं आराम से पहुँच जाऊँ ताकि ज़्यादा खर्च ना हो, ज़्यादा मुझे खर्च करना नहीं पड़े और मेरी आराम से दिन गुजर जाए, इतना बस हो जाए आज, तो ऐसे की जगह आज आपके साथ में ऐसा ना हो जाए कि जो आप कमा रहे हैं उल्टा उससे ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ जाए। आप अपनी सेविंग में से रुपए निकाल करके खर्च कर दें आज, और ऐसा अगर कर रहे हैं तो अपने आप मेंटल टेंशन में आप पड़ जाएंगे कि ये क्या हो गया और मैं आगे की सिचुएशन, आगे के दिन अब कैसे संभालूंगा। आज के लिए आपका लकी रंग है पिंक और आपका लकी नंबर है नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आज कुछ शुरुआती बाधाओं का सामना आपको करने के बाद कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। आज के दिन आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी अपने आप पर, अपने आसपास पर और जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पर। कई बार होता है कि लोग सावधानी रखते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि कहीं पे भी मैं जा रहा हूँ, मेरा डेली रूट है घर से ऑफिस का, तो यहाँ पे मुझे चिंता क्यों करनी, मैं गाड़ी चलाता हूँ तो स्पीड में चला सकता हूँ क्योंकि मुझे रास्ते मालूम है, मैं रात को लेट आता हूँ तो आ सकता हूँ क्योंकि मुझे रास्ते मालूम है और हर कोई मुझे इस रास्ते में जानता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो पहले आपको बता के आए कि सर आज मैं आने वाला हूँ, क्या आप सही हैं, आप प्रिपेयर हैं, ऐसा नहीं होने वाला। तो सावधान हमेशा रहें, पर आज के दिन सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि कहीं ना कहीं पर ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आपके साथ में लूटपाट या जान पर बना सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जहाँ तक हो सकता है समय से घर पर आइए और समय से घर से ऑफिस जाइएगा। कहीं पर भी आज बाहर अगर घूम रहे हैं तो थोड़ा एक्टिव बनकर के घूमिएगा, मेंटली एक्टिव रहिएगा, हो सके तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है पेपर स्प्रे, वो लेकर के घूमिए। और घर में माताएं, बहनें जो भी हैं, आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, सबको एक पेपर स्प्रे ज़रूर दीजिएगा। और हो सके, जहाँ तक हो सके, तो ऐसी भी कोशिश कीजिएगा कि इन सबको सेल्फ डिफेंस क्लासेस ज़रूर एक बार एनरोल कराइए और इनको सेल्फ डिफेंस में ट्रेन कराइए, क्योंकि जिस तरीके से आज के हालात हैं शायद माता पिता अपने बच्चों को तो नहीं सिखा पा रहे हैं कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कि कैसे लड़कियों से बात करनी चाहिए, कैसे उनसे बिहेव करना चाहिए, पर हम ज़रूर हमारी खुद के घर की बेटियों को, माओं को, बहनों को सिखा सकते हैं कि कैसे अगर ऐसी कुछ सिचुएशन में फंसने वाले हैं तो कैसे बाहर निकल सकते हैं। शायद ये अभी बहुत जल्दी है बोलना कि घर के बच्चे यानी कि देश के लड़के इस चीज़ को समझ पाएंगे, पर जैसे कि हम हमेशा जानते हैं लड़कियां पहले मैच्योर होती है, ये एक गलत सिचुएशन में हम आज की तारीख में फंसे, हमारा देश गलत सिचुएशन में फंसा है कि हमारे देश के बच्चे हैं, युवा हैं, वो ऐसी कुछ चीज़ में अटके हुए हैं कि इतनी मानसिक घिनौनी हरकतें कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा। शायद वो आपके आसपास में ही कोई है इंसान, आप उससे बात कर रहे हैं, आपको लग भी नहीं रहा है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है या ऐसा कुछ करने वाला है, पर जब तक वो कर नहीं देता तब तक नहीं मालूम चलता। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हमारे पास में आज की तारीख में सिर्फ एक सिचुएशन है कि हम हमारे घर की बेटियों को, हमारे देश की बेटियों को सही से सिक्योर कर सकते हैं, उनको सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं। तो अगर इतना हम कर सकते हैं तो हाथ जोड़कर विनती आप सभी से, ऐसा ज़रूर कीजिएगा। आज के दिन स्वास्थ्य आमतौर आपका बहुत ही अच्छा बना रहेगा और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी रंग है ग्रीन और आपका लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आज आपको तत्काल सफलता और प्रगति करने का मौका मिलने वाला है। सफलता ही नहीं पर उसकी गति भी आपको हैरान कर देगी। कहीं पे सफलता अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी मिलने वाली है तो ऑब्वियसली इंसान थोड़ा सा भौचक्का रह जाता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ, क्या जो मैंने काम किया था वो इतना ज़्यादा सराहनीय था,
कई बार जैसे कि YouTube पे ही हमें देखने को मिलता है कि कोई वीडियो आदमी ने इंसान ने नॉर्मल सा बनाया था, पर वो किस तरीके से वायरल हो करके एक ही दिन में कितने ही मिलियन व्यूज कमा लेता है, अचानक से इंसान लाइमलाइट में आ जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है। तो उसी तरीके से ऐसा कुछ आपके साथ में भी होने वाला है कि कुछ अचानक से इतनी अच्छी सफलता मिलेगी, पर जो सफलता मिलने वाली है वो तो आपको हैरान करेगी, पर जिस गति में मिलेगी, जिस स्पीड में मिलेगी, आपको वो दुगना हैरान कर देगी कि इतनी जल्दी भी कैसे हो सकता है। पैसों की आवक बहुत ही अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य भी आज के दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी रंग है लैवेंडर और आपका लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आज दिन की स्थिति पल पल बदलती रहेगी और आपको बदलती स्थितियों के अनुरूप फैसले लेने के लिए मन की स्पष्टता बनाए रखनी होगी। एक बहुत छोटी सी लाइन है, द वर्ल्ड इज डायनामिक, इफ यू कैन बी डायनामिक देन यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग इनफ विद द वर्ल्ड। ये एक छोटी सी लाइन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जितनी ज्यादा तेजी से दुनिया बदल रही है उतनी ज्यादा तेजी से आपको अपने काम में बदलाव लाने की जरूरत जरूर पड़ेगी। वाणी पर नियंत्रण आज आपको रखने की जरूरत पड़ेगी, कहीं गुस्से में आकर के किसी के साथ में ऐसा कुछ ना बोल दें, और इसी के चलते ना ही सिर्फ गुस्से में कहीं हंसी मजाक में भी कोई अंदर की बात बाहर ना उगल दें। प्रेमी या जीवन साथी के साथ आज बहस हो सकती है और काफी खर्च होने की संभावना है। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर बना रहेगा और आज के लिए आपका लकी रंग है पिंक और आपका लकी नंबर है नंबर 3। अब बात करते हैं अंतिम राशि के बारे में, यानी कि मीन राशि के बारे में। तो आज अब दिन भर बेचैनी महसूस करते रहेंगे, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से गहरे तौर पर असंतुष्ट हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डिससैटिस्फाइड फील कर सकते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। अब ऐसी जो भी सिचुएशन है इसको ज्यादा दिल से अगर लगा करके चलेंगे तो शायद आज अपने आप पूरे दिन खराब कर सकते हैं आप, पर अगर ये जो भी डिससैटिस्फैक्शन है इसको फटाफट से साइड में रख करके आप दिन गुजारना वापस नई शुरुआत से करते हैं तो अपने आप देखेंगे कि दिन अपने आप वापस सही तरीके से जा रहा है, एक सही रास्ते पर जा रहा है। आज इमोशनल बैलेंस भी आपको बनाए रखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा से कठिन रहने वाला है। डिससैटिस्फैक्शन जो आपको फील हो रहा है अब, ये डिससैटिस्फैक्शन जो है ये हो सकता है कि आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में हो, किसी के साथ में, अपने सीनियर के साथ में, अपने कलीग के साथ में आप किसी चीज़ के लेकर के डिससैटिस्फाइड, असहमत हैं। आप दोनों की पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव जो है, पर्सपेक्टिव हैं या पॉइंट ऑफ थॉट्स हैं, वो दोनों सेम नहीं है। इसी के चलते अब ऐसा भी होने वाला है कि आप दोनों को काम तो उसी जगह पे करना है, तो इसके चलते हो सकता है कि इमोशनली थोड़ा आप इम्बैलेंस हो जाएं, उसको देख करके गुस्सा आ जाए, या आज के दिन अपने काम को लेकर के आप बिजी भी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं और इसी के चलते इमोशनल बैलेंस जो है वो बनाना थोड़ा ज़्यादा आपके लिए कठिन हो सकता है। प्रेम संबंधों को लेकर कोई फैसला आज के दिन अगर ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। खर्च पर नियंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका जो आज का दिन जा रहा है उसके लिए आप सोच रहे हैं कि एक ही थेरेपी है जो कि आपके लिए काम करेगी और वो है शॉपिंग थेरेपी। कहीं पर भी बाहर जा कर के दोस्तों के साथ में अकेले शॉपिंग करके आऊँ, महंगी चीज़ें खरीद लूँगा या अच्छी जगह पर जा कर के खाना खा लूँगा, बिना बात के रुपये उड़ा लूँगा, तो अपने आप मैं अपने आप को जता पाऊँगा कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। पर ये जो आपकी फीलिंग है, ये जो आपकी आदत है, ये और कुछ नहीं कर रही है बल्कि आपको वीक बना रही है। आपको ना ही सिर्फ इमोशनली मेंटली बल्कि फाइनेंशियली भी आपको वीक बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसके चलते थोड़ा सा आपको ज़्यादा अपने आप पर आज नियंत्रण कंट्रोल रखने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप पर और अपने खर्च की आदत पर। आज के लिए आपका लकी रंग है क्रीम और आपका लकी नंबर है नंबर 1। इसी के साथ में आज्ञा दीजिए, कल फिर डेली राशिफल लेके आप सभी के समक्ष आऊँगा और बतलाऊँगा कैसा रहेगा 18 दिसंबर का दिन। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आपका आज का दिन शुभ मंगलमय एवं सफलताओं से भरा हो। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामना एवं जय हिंद।